ओके शुरू। फ्रेंड्स आज हमारी नई वीडियो होने वाली है एलिवार के शूज़ के ऊपर। और ये शूज़ मैंने क्यों लिए हैं इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। पहले प्लीज़ कैमरा दिखाइए आप यहाँ पे। ये हमारे एसिस के जेल क्वांटम 180 हमने परचेज़ करे थे अराउंड जुलाई में। और जुलाई में परचेज़ करने के बाद आज है 22 अक्टूबर और इनका जो है जेल जा चुका है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस शूज़ इज़ कि इन लोगों ने जो जेल लगाया है, जेल का प्लेसमेंट है वो सही तरीके से नहीं है। जेल टेक्निकली आपका अगर सोल के बीच में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे कि काइनो में और निम्बस में रहता है, बट इन्होंने जेल का प्लेसमेंट गलत करा जिस कारण से हुआ क्या है कि मेरे को 9000 का घच्चा, ठीक है, इसलिए बहुत दुख है इस बात का। और अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने, मतलब मैंने नए शूज़ लिए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं एलिवार के शूज़। इनको लेने से पहले काफ़ी मैं जो है कतरा रहा था। रीज़न उसका ये है क्योंकि ये इंडियन मेड ब्रांड है, मगर अभी ले लिए हैं तो हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स अच्छा है, बॉक्स की क्वालिटी बढ़िया है, अमेज़ॉन ने डिलीवर भी सही तरीके से करा है। इस पर आपको इधर एलिवार स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाएगा, ये स्नीकर्स भी देते हैं और आपके स्पोर्ट्स शूज़ भी आते हैं। इधर मैंने कौन सा आर्टिकल लिया, दैट इज़ फ्लाई बोल्ट, और इनका कलर भी नहीं आया, तो दैट इज़ कार्बन ब्लैक। 11 इज़ माई साइज़, तो 11 में मैंने लिया है। खोलेंगे तो खोलते ही हमको जो है यहाँ पे इनका मिल जाएगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वी आर ऑन अ मिशन टू रेवोल्यूशनाइज परफॉर्मेंस फुटवेयर। तो बता रहे हैं 15 महीने लगे इन्हें। इससे पहले जो इनका आर्टिकल आया दैट वाज आर्क रेसर एंड दैट वाज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एडिडास बूस्ट। तो काइंड ऑफ बूस्ट ये भी है, तो इसको देखते हैं कैसा है। तो ये है एलिवार के शूज़। अगर इसको देखते हैं तो देख तो चुका ही हो डब्बा, आप क्या देखोगे बार बार। ये लो, खोल दिया इसको। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को जलाने के लिए मैं बिल लेके आया हूँ, क्योंकि ये शूज़ में देखो यहाँ पर तो इसने 3240 करके मेंशन करा है। मेरा एड्रेस पे अगर एड्रेस देख लिया हो तो उसे पैसे भेज देना, ठीक है। तो ये 3240 जो है ये इसका बिल है, मगर मेरे को, मैंने अमेज़न पे लेटर यूज़ किया था तो मेरे को एग्जैक्टली ये पड़ा 3090 का। एंड अभी मैं यहाँ ऊपर फोटो ऐड कर दूंगा। इसमें आज के टाइम में ये जो शू है इट इज़ करंटली सेलिंग फॉर 4490 रुपीज़ एज ऑफ नाउ। तो अच्छे से पैकेज्ड है प्रॉपर। अब देखो ये रहे शूज़ हमारे पास, तो आप लोग फील देख पा रहे होंगे यहाँ पे, बढ़िया है इसका। ये पूरा लेदरेट जो है इसका ये काफ़ी ही अच्छा है। और नीचे अगर हम देखें इसे बहुत ध्यान से, जूम करिएगा सर थोड़ा, हाँ, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक्चुअल में ये बूस्ट पैटर्न में ही है। एंड आर्क रेसर में टोटली ऐसा था। मैंने आर्क रेसर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर्क रेसर में ऐसा था कि वहाँ पर ऑल डे शूज़ तो था, बट उसमें आप पास कुछ ज़्यादा ही स्क्विशनेस होने के कारण पैरों में दर्द भी हो जाता है। तो ये इससे थोड़ा सा बेटर साइड पर, क्योंकि थोड़ा सा स्टर्डी है। इसको चेक करते तो पीछे की तरफ जो है इसका आपको अच्छा से जो है अकेली सपोर्ट मिल जाता है। और अकेली सपोर्ट अच्छा होने का मतलब ये है कि आपके जो है पैरों में जो वियर एंड टेयर होता है रनिंग के टाइम पे वो नहीं होगा उतना, बिकॉज यहाँ पे पुल टैप नहीं लगे हैं और अकेली इसने ऊपर तक कवर जो है करा हुआ है। अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका ये कैसे शेप मेंटेन करने वाला। और ये है इसकी लिप और टंग। चलो इसका टंग देख लेते हैं एक बार, इसमें रनिंग भी करेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग, है तो बढ़िया। तो ये इसका जो टंग है ये सेपरेट हो जाने वाला है, और ये काफ़ी ही मतलब ज़रूरी है रनिंग के शूज़ में, क्योंकि उसमें वजह ही रहती है कि रनिंग करते टाइम जो ये हमारे पास टंग रहती है, अगर ये सही तरीके से आप पास अटैच नहीं हो, जैसे यहाँ पे अगर इन्होंने फीते ना निकाले हुए होते तो ये अटैच ना होता, तो ये स्लिप जो है स्लिप बहुत करता है साइडवेज में, और इस चक्कर में जो है रनिंग एक्सपीरियंस ख़राब होता है। इन्होंने ये लगा के अच्छा काम करा, बाकी टंग की क्वालिटी भी अच्छी है। अंदर से अगर देखते हैं तो ये मेमोरी तो नहीं है बट बेसिक है, बट हल्का बहुत है भाई, बहुत ही ज़्यादा हल्का। और नीचे की तरफ देखो तो हम लोग को यहाँ पे अच्छा ट्रेड पैटर्न मिलता है, सेम ट्रेड पैटर्न नाइकी के रेवोल्यूशन 5 जो है रोड रनिंग शूज़ में भी आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इससे जो है रोड रनिंग भी अच्छे कर पाएंगे। पीछे से अगर देखें तो इसमें आपको मिल जाता है एलिवार का ब्रांडिंग यहाँ पे, और जो पेस्टिंग है वो पेस्टिंग अच्छी क्वालिटी में है, आप देख पा रहे हो, ज़बरदस्ती का जो है इसमें ग्लू नहीं दिख रहा है आप लोगों को, काफ़ी ही अच्छी पेस्टिंग। और ऊपर जो ये मैश पैटर्न है, मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ तो प्रॉपर जो है मैश है इसमें, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रीदेबल होना चाहिए, रनिंग शूज़ का ब्रीदेबल होना बहुत ज़रूरी है, एल्स नहीं तो स्वेटिंग का बहुत इशू आता है। आगे से भी लेदरेट दिया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से जो है हमारे पास लोगों के जो बड़े बड़े अंगूठे हैं वो खुल के बाहर आते हैं और स्कूल शूज़ बन जाते हैं फिर वो रनिंग शूज़ से, तो बड़े गंदे लगने लगते हैं वाहियात से। तो इधर की तरफ ये एलिवार का ब्रांडिंग दिया है, इधर ही इनका कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं
राइट फोम सोल टेक्नोलॉजी कंपाउंड ईपीयू एनर्जी रिटर्न इतने में इतना इतना दे देता है, कुछ नहीं होता एनर्जी रिटर्न, जांघों में ताकत रखो, एक्सरसाइज करो, स्क्वाट्स मारो, ठीक है। तो ये है, अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं रोड पे पहले और फिर हम लोग करेंगे इसको एक बार ट्रैक में। और ये है हमारी ट्रैक, तो अगर आप देखोगे ना इसमें तो अच्छे से जो है अंदर देखो आपको दिख रहा होगा धूप बढ़िया आ रही है, तो इसका मतलब ये मैश काफ़ी ही ज़्यादा जो है ब्रीदेबल है। आज हमारे कैमरामैन अनमोल शर्मा, तो अब हम लोगों ने अपने जूते धारण कर लिए हैं नए वाले और ये हैं हमारे नए जूते, आप देख पा रहे होंगे अच्छे चल रहे हैं और ये हम दे रहे हैं फेंक, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे है। अब हम जा रहे हैं रनिंग करने, इसमें देखते हैं कैसा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम लोगों ने जॉगिंग कर ली इसमें, कुछ तो हम लोगों ने ट्रैक पे कर ली अंदर, अब कुछ हम लोग रोड पे कर रहे हैं। फीडबैक तो अच्छा है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिव है और ऊपर से ग्रिप अच्छी है, टंग ने अच्छी ग्रिप दी हुई है, तो देख के जहां तक बात करें तो थोड़ा टो बॉक्स छोटा लग रहा है मेरे को इंडिया के हिसाब से, बाकी ओके है, बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन ये है कि इन शूज़ को अगर आप परचेज़ करेंगे तो किस चीज़ के लिए कर सकते हैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला इनका प्राइस पॉइंट, अगर आपको अगर ये डील मिल जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने खरीदा तो 3090, आप लोग चाहें तो उसको अमेजोन पे लेटर से अगर आप लोग ऑफ़र रिडीम करना चाहें तो 500 रुपये आपको वहाँ ऑफ हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ ये 4490 का कुछ चल रहा है, 490 जो भी है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए प्राइस, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा उसका। दूसरी चीज़ कंफर्ट, कंफर्ट इज़ गुड, थोड़ा जो मेरे को लग रहा है कि आगे से टो बॉक्स जो है वो और चौड़ा हो सकता था, बिकॉज इंडियन के जो पैर होते हैं उनमें यहाँ पास आगे का जो एरिया होता है ना वाइड होता है, तो इंडियंस प्रेफर करते थोड़ा वाइड शू, एसिक्स में वो चीज़ अच्छी थी और मेरे पास एडिडास के भी जो शूज़ हैं उनमें भी वो चीज़ अच्छी थी। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा इस शूज़ के बारे में कि जो पीछे यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा अकीलीज को सपोर्ट दे रहा है, ये है तो अच्छा बट लॉन्ग रन के लिए जो है हमारे पास ये आपको उल्टा जो है दर्द कर देगा आपके टेंडन्स में इधर इस एरिया में, तो एक थोड़ा सा पॉइंट ये हो जाएगा। बाकी इनके लेसेस अच्छे हैं, लेसेस बिल्कुल फर्मली अभी तक उतना ही ग्रिप है जितना हम लोगों ने पहले ग्रिप कर रखा था। तो दिस वॉज अवर कंक्लूजन अबाउट दिस शूज़, दिस इज एलिवर फ्लाई बोल्ट, आप लोग को मैं अब लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।